जी टी वी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी फिल्म बर्फी को मौका दिया। ये तीन शो 12 सितंबर में जो प्रीमियर होने वाला है जी टी वी पे, वो शोज है हिटलर बेबी, फिर सुबह होगी और पुनर्विवाह, वहाँ पे बर्फी भी दिखाई देंगे। हर एपिसोड में एक छोटा एक एक मिनट का सीन किया है और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत स्वीट थे तीनों कैरेक्टर्स, तो होपफुली अभी ऑडियंस को भी पसंद आएगा। बर्फी बन के आए तो जब आप 12 सितंबर को अगर आप जी टी वी देखोगे तो आप भी देखने का मौका मिलेगा। सी स्माइल ऑन माई फेस, बस बहुत बड़ी सी स्माइल है। और पहले तो मैं बहुत नर्वस थी, बट उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया। एंड मर्फी इज वेरी क्यूट। हम तो फिर भी 12 घंटे शूट करते हैं, तो हमारे लिए तो ये बहुत मेजर सोने पे सुहागा चांक हो जाता है कि हम उस 12 में से 7-8 घंटे रणबीर कपूर या सलमान खान यू नो जैसे स्टार्स के साथ शूट करने का मौका मिलता है। बट सो इट्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर। बर्फी बस वो साइकिल ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, फिर मेरी दोस्त ने ठीक करने की कोशिश की, किसी को आता नहीं था, पर तो मुझे डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत एक्साइटेड थी मैं। आई विल बी मीटिंग आर के फॉर द फर्स्ट टाइम, आई हैव सीन ऑल हिज मूवीज, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ही इज सच अ हम्बल एंड सच अ स्वीट पर्सन। मतलब मैं तो आई वाज डंबस्ट्रक व्हेन आई सॉ हिम, बट देन ही मेड अस वेरी कंफर्टेबल। बहुत मजा आया शूट करने में, आई एम स्टिल गेटिंग द ग्रीस ऑफ माई हैंड्स एंड इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी बर्फी। ऐसा स्क्रिप्ट बनाया था कि मैं तीनों लोगों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, तो मज़ा आया था। वो बहुत बेहतरीन कलाकार है, बहुत बेहतरीन एक्ट्रेसेस है सब, तो उनके साथ फ्लर्ट करने में मज़ा आया।